This conference will now be recorded. आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके ग्रेट। आज लेट्स फर्स्ट कंक्लूड द फाइव फोर्सेस मॉडल। दो फोर्सेस पे डिस्कशन होनी बाकी रह गई थी, सो लेट्स फर्स्ट कंक्लूड दैट एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में से काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन एग्जामिनेशन में टेस्ट हो चुका है अभी तक। सो वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टू फोर्सेस। हमने बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का डिस्कस कर ली थी, आज हम कस्टमर की बार्गेनिंग पावर को डिस्कस करेंगे और आज हम राइवलरी के ऊपर बात करेंगे। और आफ्टर वी आर डन विद दैट देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ सेकंड चैप्टर। ओके लेट्स वेट फॉर वन टू मोर मिनट्स, लेट अदर्स कम एंड देन वी विल स्टार्ट। जी आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट दिस टू द कोऑर्डिनेटर, इंशाल्लाह शी विल मेक श्योर कि आपके लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपलोड हो जाना चाहिए ताकि आप टॉपिक को कनेक्ट कर सकें। एंड आइडियली इट शुड इट मस्ट हैपन बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट्स, द प्रीवियस वन शुड बी अपलोडेड। ओके कस्टमर्स की जो बार्गेनिंग पावर है ये जितनी कम होगी उतनी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होगी। व्हेन कस्टमर्स हैव कंसिडरेबल बाइंग पावर तो पावरफुल बायर्स जो हैं वो लोअर प्राइसेस डिमांड करते हैं, इम्प्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस डिमांड करते हैं, अपनी मर्जी की कंडीशन सेट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बायर्स जो होते हैं दे कैन इन्फ्लुएंस अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट द वे फर्म डज द बिजनेस। इदारा बिजनेस जिस तरह से करता है वो अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट उसको इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर के पास ज्यादा बार्गेन करने की पावर होती है ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है वो उसको फिर एज अ लेवरेज यूज करता है अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। कस्टमर यूजेज इट एज अ लेवरेज टू मैक्सिमाइज देयर ओन बेनिफिट। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द की फैक्टर्स दैट मेक कस्टमर्स बार्गेनिंग पावर
इंक्रीज्ड, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और कस्टमर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के सामने। पहली चीज तो ये है कि कस्टमर अगर बल्क परचेजर है, बल्क बायर है, रिमेंबर वो कस्टमर्स जो हमेशा बल्क बाइंग करते हैं, दे आर ऑलवेज पावरफुल, दे हैव ऑलवेज स्ट्रॉन्गर बाइंग पावर एज कम्पेयर टू दोज जो बल्क बाय नहीं करते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सुपरमार्केट्स एज अ बायर परचेज करती हैं मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर आइटम्स को, जैसे हाइपर स्टार अगर यूनिलीवर से या हाइपर स्टार अगर नेस्ले से परचेज करते हैं, तो हाइपर स्टार अपनी कंडीशंस पे परचेज करता है बिकॉज हाइपर स्टार के पास बल्क बाइंग होती है। हाइपर स्टार चूंकि बल्क बाय करता है तो देयर बार्गेनिंग पावर इज वेरी हाई, तो दे आर एबल टू फोर्स डाउन द प्राइसेस फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट्स यूजिंग रिफ्यूज टू बाय और स्विचिंग टू अदर सप्लायर्स। मैन्युफैक्चरिंग वे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग के फिर जो के जो प्रॉफिट्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। जितना हमने कल तीन कंडीशंस डिस्कस की थी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर की, इन द सेम वे देर आर थ्री कंडीशंस इन विच बायर्स बार्गेनिंग पावर इज इंक्रीज। बायर की बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होती है? जब वॉल्यूम ऑफ परचेज इज वेरी हाई एज कंपेयर टू साइज ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के मुकाबले में जो वॉल्यूम ऑफ परचेज है वो तो बहुत ज्यादा है, या फिर सप्लायर के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक राइवल प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड, एक जैसे हैं। जैसे हाइपर स्टार ने अगर शुगर परचेज करनी है किसी शुगर डिस्ट्रीब्यूटर से, तो दैट्स एन अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, वो किसी एक से परचेज नहीं करेगा, किसी और से परचेज कर लेगा, क्योंकि शुगर जो है दैट्स एन अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। या फिर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज वेरी लो एक सप्लायर से, हाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट एग्जैक्टली, एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे स्विच करने की जो कॉस्ट है दैट इज कंसिडरेबली लो, वो कंसिडरेबली लो होती है। सो दीज आर द थ्री रीजंस फॉर विच कस्टमर्स हैव हाई बार्गेनिंग पावर्स, कि या तो कस्टमर बल्क बाय करता है, कस्टमर का वॉल्यूम ऑफ परचेज बहुत ज्यादा है, कस्टमर अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, या फिर उसकी स्विचिंग कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है। एंड देन वी हैव राइवलरी, द लास्ट फोर्स इज राइवलरी। इनफैक्ट बाकी ऊपर वाली चारों फोर्सेस जिस फोर्स में ऐड करती हैं वो राइवलरी होती है। राइवलरी कहते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बिटवीन द अलाइक फर्म्स, जैसे पेप्सी और कोका कोला राइवल्स हैं, नेस्ले और एंग्रो राइवल्स हैं। ठीक है, राइवलरी कहते हैं किसी इंडस्ट्री में एचपी और डेल राइवल्स हैं। राइवलरी जो होती है दैट इज द स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अभी कब स्ट्रॉन्ग होती है? जब राइवल फर्म्स का साइज एक जैसा होता है, रफली द सेम साइज, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अलाइक होती है। राइवलरी कब स्ट्रॉन्ग होती है? जब नंबर ऑफ कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं एक इंडस्ट्री में, तब राइवलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में आप देखें कितने सारे ब्रांड्स हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, इसके अलावा फिर अब वो एक मास्टर कोला भी आ गई है, फिर शैंडी कोला भी है, लोकल ब्रांड भी है, गोरमे कोला भी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स ज्यादा होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री इज बिकमिंग अनअट्रैक्टिव। या फिर ओवरऑल, हाँ कोला नेक्स्ट भी आ गई है बिल्कुल, या फिर ओवरऑल जो डिमांड है मार्केट में वो स्लो हो चुकी है। डिमांड स्लो कब होती है? जब कस्टमर सेचुरेशन एग्जिस्ट कर जाती है, जब मार्केट में कस्टमर सेचुरेट कर जाता है तो मार्केट की टोटल डिमांड जो है वो स्लो हो जाती है, यानी अब आपके पास मजीद कस्टमर ऐड करने के चांसेस नहीं है, डिमांड हैज फॉलन। ठीक है, या फिर टेलीकॉम सेक्टर की मिसाल ले लें, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर डिमांड इज वेरी लो नाउ, नए कस्टमर्स नहीं ऐड हो रहे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो ही ऑफर कर रही हैं प्रोडक्ट्स और वही एक दूसरे के कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी में नए कस्टमर्स अब ऐड नहीं हो रहे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हैज नाउ सैचुरेटेड। तो ये तीसरी वजह है राइवलरी स्ट्रांग होने की, कि मार्केट में अब मजीद ग्रोथ के चांसेस नहीं होते, या फिर प्रोडक्ट्स आर अनडिफरेंशिएटेड। अगेन टेलीकॉम सेक्टर की मिसाल ले लें, हर कंपनी तकरीबन एक ही किस्म के कॉल पैकेजेस दे रही है, एक ही किस्म के डेटा बंडल्स दे रही है, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, या फिर शटिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, शट डाउन कॉस्ट, एग्जिट बैरियर्स भी हाई हैं।
जब एग्जिट बैरियर्स हाई होती हैं तो इदारे फिर उसी इंडस्ट्री में प्ले करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। दे आर रिलक्टेंट टू क्विट द इंडस्ट्री बिकॉज शट डाउन कॉस्ट इज वेरी हाई। तो वो कहते हैं अगर कि एज फार एज हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मीट हो रही है, सो लेट्स कीप ऑन फ्लोटिंग, लेट्स कीप ऑन डूइंग द बिजनेस, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट मेकिंग हायर प्रॉफिट्स। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो शट डाउन है वो बहुत ज्यादा है, दैट्स अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। तो ये कुछ वजूहात हैं, कुछ रीजन है जिसकी बना पे कंपेटिटिव राइवलरी स्ट्रांग हो जाती है एक इंडस्ट्री के अंदर। द कंपेटिटिव राइवलरी गेट स्ट्रॉन्गर इन एन इंडस्ट्री ओइंग टू दीज फ्यू फैक्टर्स। ठीक, एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर फाइव फोर्सेस मॉडल एज वेल। फाइव फोर्सेस मॉडल को डिस्कस किया हमने, वी डिस्कस दैट व्हाट आर द की फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, इस चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है जो कंपेटिटिव फोर्सेस पे डिस्कस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पास्ट पेपर को डिस्कस करते हुए देखेंगे, यू वुड सी कि कंपेटिटिव फोर्सेस के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन अपेयर हुए हैं पास्ट पेपर में। इट इज क्वाइट रेयर कि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन किसी और मॉडल में से पुट किया हो एग्जामिनर ने। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन अपीयर्ड फ्रॉम दीज कंपेरेटिव फोर्सेस। लेट मी पुल अप द पास्ट पेपर्स, देन वी विल डिस्कस द पेपर्स वन बाय वन। जस्ट अ मोमेंट। ओके जी, जस्ट लुक एट दिस। जरा सेकंड चैप्टर का पोर्शन देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपके सामने क्रिएटेड है। इफ यू लुक एट द पोर्शन ऑफ द सेकंड चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर है पूरे का पूरा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। और आप अगर गौर फरमाएं तो इस चैप्टर के अंदर जो मेजॉरिटी पोर्शन है एग्जामिनेशन के हवाले से वो सारा इस एरिया में से आया है। ठीक है, दिस इज द एरिया एंड दिस एरिया इज कंपेटिटिव फैक्टर्स। तो ये वाहिद एक क्वेश्चन आया है कंप्लीट पेस्टर एनालिसिस के ऊपर जो कि मार्च 18 में आया था। एक क्वेश्चन आया है इकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में भी वर्चुअल कंपनी पे सवाल आ चुका है, लेकिन वर्चुअल कंपनी बिलोंग्स टू द थर्ड चैप्टर। ये क्योंकि स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है ये थर्ड चैप्टर में रिलेट करता है, तो वर्चुअल कंपनी को हमने भी थर्ड चैप्टर में पुट किया हुआ। तो आप देखें ये इतना जो ब्लैंक एरिया है ये दिखा रहा है द पोटेंशियल ऑफ अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। इतना सारा जो ये ब्लैंक एरिया है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं। ठीक, लेट्स गो थ्रू वन बाय वन। दो क्वेश्चन आए थे जी, एक स्वॉट एनालिसिस पे क्वेश्चन आया था वन का ए पार्ट अभी रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर, और वैल्यू चेन पे क्वेश्चन आया था वन का बी पार्ट। और देखें अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में सेम क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर या सेम टॉपिक नहीं पूछता, तो गौर फरमाएं तो मार्च 18 और सितंबर 18 दोनों में सेम क्वेश्चन आया पेपर में वैल्यू चेन में से। ठीक है, लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन था जी 2018 का, लेट्स पुल इट अप।
Okay, this was September 2018. This is the most recent attempt. Question number one, dekhen. Eat Smart is a family-owned business being managed by Mr. and Mrs. Khan. Eat Smart has been enjoying high profits and strong client base and is highly regarded for its premium quality diet food, energy drinks, and low-carb salad. The food is prepared under the supervision of Mr. Khan, a foreign qualified nutritionist who has hired a team of qualified staff having sound knowledge and experience. Mr. Khan is a marketing graduate and books and looks after the supply chain activities, i.e. from the ordering and safe storage of ingredients to dealing with customer complaints and encouraging feedback. At present, is the firm. ये हरकत हर पेपर में की गई है सेम क्वेश्चन वाली अच्छा गुड कहते हैं एट प्रेजेंट ईएस टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज ऑफर कर रही है डाइन इन सर्विसेज अभी उनके पास ऑफर नहीं हो रही ड्यू टू द फैक्ट दैट मिस्टर मिसेस खान हैव बीन बिजी इन मैनेजिंग रूटीन वर्क ही हैज रिलाइज ऑन वर्ड ऑफ माउथ एंड सोशल मीडिया पेजेस फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस गिवन द लो सेटअप कॉस्ट एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर हेल्दी फूड्स नंबर ऑफ न्यू ऑनलाइन बिजनेस हैव एंटर्ड इनटू द मार्केट सम रेस्टोरेंट्स हैव आल्सो स्टार्टेड टू ऑफर सेपरेट डाइट फूड मेन्यूज बी फिट एक चेन ऑफ फिटनेस सेंटर है जिसने क्या किया है इसने ईएस को अप्रोच किया है कि वो उनके साथ पार्टनरशिप करे और डाइट प्लान बनाए मेंबर्स के लिए पार्टनरिंग विद बीएफ वुड मीन हायरिंग ऑफ एडिशनल स्टाफ एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट परफॉर्म सॉर्ट एनालिसिस फॉर ईएस Identify the activities forming part of primary value chain as suggested by Porter and give two examples related to each activity in ES. Inbound logistics mein ES mein kya ho raha hai? Operations mein ES mein kya ho raha hai? Outbound mein ES mein kya ho raha hai? Marketing and sales mein kya ho raha hai? Aur after sales services mein kya ho raha hai? 14 number dekhen, 14 marks from the second chapter. Very important question. इसका अगर मैं आपको रिकमेंडेड सॉल्यूशन दिखाऊं इफ आई शो यू द रिकमेंडेड सॉल्यूशन ऑफ दिस टॉपिक सॉर्ट एनालिसिस Okay, so this is the SWOT analysis. Look at the SWOT. पढ़ा जा रहा है? Zoom कर दूँ थोड़ा सा. Is it readable? जी जी ये मैंने खुद prepare किया है. ICAP का तो भी आएगा ना solution. ICAP का तो भी आया नहीं है. ICAP का तो result के बाद आएगा ना. So this is ICAP result. Okay. So strengths क्या है जी? ईएस की इनके हाई प्रॉफिट्स इनकी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग इन कस्टमर माइंड रिगार्डिंग क्वालिटी डाइट फूड एनर्जी ड्रिंक्स एंड लो कार्ब सैलड्स क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल स्टाफ इनकी वीकनेसेस क्या हैं डाइनिंग सर्विसेज अभी ऑफर नहीं कर रहे वीक मार्केटिंग ओनली रिलाइज ऑन सोशल मीडिया एंड वर्ड ऑफ माउथ फॉर बिजनेस प्रमोशन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर नीड्स टू बी रिवाइज कंपनी का स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरियल है फैमिली ओन्ड बिजनेस है हस्बैंड वाइफ चला रहे हैं जबकि बिजनेस अब आपका एक्सपेंड कर गया तो इसको आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज क्या है पार्टनरशिप विद बी फिट टू एनहांस अपॉर्चुनिटी ग्रोइंग नीड्स ऑफ कस्टमर फॉर हेल्दी फूड ये अपॉर्चुनिटीज है थ्रेट्स क्या है कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेसेस ड्यू टू लो सेटअप कॉस्ट सम रेस्टोरेंट्स हैव आल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग स्पेशल डाइट मेन्यूज दस इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन कुछ रेस्टोरेंट्स ने लिखा हुआ है ना इसके अंदर केस के अंदर कि कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपने स्पेशल डाइट मेन्यूज जो हैं वो भी ऑफर करने शुरू कर दिए हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट होते जा रहे हैं या ये सारे दीज आर ऑल थ्रेट्स ये पूरा पैराग्राफ थ्रेट्स के ऊपर है ठीक है ये अपॉर्चुनिटी है ग्रोइंग डिमांड फॉर हेल्दी फूड ये अपॉर्चुनिटी है सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म अ स्वॉट एनालिसिस जिस तरह आप एक स्वॉट करते हैं अगेन आपसे कहा था कि स्वॉट आप हमेशा टेबुलर फॉर्म में टेबल की शक्ल में करते हैं
स्ट्रेंथ्स यहाँ आती हैं, वीकनेसेस यहाँ आती हैं, अपॉर्चुनिटी यहाँ आती हैं, थ्रेट्स यहाँ आती हैं। ओके, प्राइमरी वैल्यू चेन में क्या कर रही है कंपनी? व्हाट इज द फर्म डूइंग इन प्राइमरी वैल्यू चेन? ओके, इन प्राइमरी वैल्यू चेन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आपकी काउंट हो जाएंगी। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में मटीरियल हैंडलिंग होती है। अब उसने इंपॉर्टेंटली उसने क्या पूछा हुआ है आपसे, ये देखना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। प्राइमरी वैल्यू चेन का टॉपिक तो आप बुक वाला ही एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, नंबरिंग, इट्स ऑलवेज बेटर टू यू नो गिव इट सम नंबर्स और बुलेट्स, तो वो नरेटिव बन जाता है, फिर एक एक स्टेटमेंट आप डिफाइन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्राइमरी वैल्यू चेन एज सजेस्टेड बाय पोटर, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, और ये प्योर नॉलेज बेस्ड पार्ट जो आपने प्राइमरी वैल्यू चेन को रिप्रोड्यूस करा, एंड ये दूसरा पार्ट है। गिव टू एग्जाम्पल्स ईच रिलेटेड टू द एक्टिविटीज, हर एक्टिविटी से रिलेट करती हुई दो एग्जाम्पल देनी है जो कि ईएस के अंदर पाई जाती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, पहला पार्ट आसान है, आप देखें तो मैंने भी सोल्यूशन में पहला जो पार्ट है वो एग्जैक्टली बुक वाली वर्डिंग कॉपी की हुई है, दैट इज एग्जैक्ट पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट बुक। इनबाउंड में हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज कंसर्न विद द रिसीविंग हैंडलिंग ऑफ परचेज मटीरियल कंपोनेंट्स स्टोरिंग देम अंटिल दे आर नीडेड। एग्जाम्पल्स क्या है ईएस के केस में, रॉ मटेरियल परचेज करना लाइक मीट वेजिटेबल्स, इट ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर एंड ऑर्डरिंग एंड सेफ स्टोरेज ऑफ इंग्रीडियंट्स, ये सारी इनबाउंड में आती हैं, ऑल ऑफ दीज आर इनबाउंड। इसी तरह देखें ऑपरेशन में क्या हो रहा है, ऑपरेशन का जो कॉन्टेंट है वो तो एग्जैक्टली बुक वाला ही है। ऑपरेशन की एग्जाम्पल्स क्या हैं, ऑपरेशन में प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी डाइट फूड, प्रोड्यूसिंग लो कार्ब सैलड्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये आपके ऑपरेशन है। ये दो दो एग्जाम्पल मांगी है, ठीक है, आप एक एक ज्यादा भी दे सकते हैं। आउटबाउंड में क्या हो रहा है, स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिलीवरी एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जाम्पल क्या है, डिलीवरिंग गुड्स एट डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, स्टोरिंग द फिनिश फूड सैलड ड्रिंक एक्सेट्रा अंटिल दे आर ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर, ये आउटबाउंड हो गई। मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में हमने डिस्कस किया था फोर पीज होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करते हैं, दैट इज व्हाट दे डू इन मार्केटिंग, ये मार्केटिंग में होता है। सर्विसेज में देखें, सर्विसेज में वो सारी एक्टिविटीज हैं जो आप पॉइंट ऑफ सेल के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, ये सर्विस है, लिसनिंग टू कस्टमर कंप्लेंट्स, ये भी सर्विस है। देखिए इन्फॉर्मेशन जितने भी आपने निकालनी है सारी की सारी आपने गिवन सिचुएशन से निकालनी है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपने खुद ऐड की हो, ठीक है, तो व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू पुल आउट इट मस्ट बी फ्रॉम द कंटेंट द टेक्स्ट यू हैव जस्ट रेड। ओके, यहां तक क्लियर? आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, देखिए 6 मार्क्स है तो सेफर साइड आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे वन लाइन में, टू टू लाइन में। आइडियली स्पीकिंग आइडेंटिफाई से मुझे आती है कि लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। इफ आई वुड बी द स्टूडेंट आई माइट नॉट टेक दैट रिस्क, और फिर वो भी तब जब मुझे आता है क्वेश्चन, या तो सवाल आता ना ना, वो सिर्फ नाम आते हो तो फिर आप कहते हैं मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, ओके फाइन जस्ट राइट द नेम्स, ठीक है, बट इफ यू नो द आंसर देन यू शुड नॉट टेक सच रिस्क। तो ये जनाब पहला क्वेश्चन था, 14 नंबर का क्वेश्चन था आपके सामने है, ये 1 का पार्ट A 1 का पार्ट B स्पॉट एनालिसिस एंड 5-4 वैल्यू चेन। मार्च में क्वेश्चन नंबर 9 आया था, ये तो हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी आई गेस क्लास में ना, फ्लेवर सम का सवाल था, इसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, 9 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 12 मार्क्स का क्वेश्चन था ये वाला फ्लेवर सम वाला, बेस्ट एनालिसिस आपने कंडक्ट करना था, ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो ये एक ही क्वेश्चन आया था 12 मार्क्स का फ्रॉम दिस चैप्टर, 12 मार्क्स का, उससे पीछे मूव करें तो मार्च 2018 में 12 मार्क्स ये आए थे, और सेम अटेम्प्ट में वैल्यू चेन का क्वेश्चन दोबारा आया था, 6 का पार्ट A था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A, ओके वेयर इट इज, हाँ ये देखें
Now that was example of secondary value chain. नहीं सेकेंडरी वैल्यू चेन नहीं था, जनरल था. वैल्यू डिस्कस एनी फोर मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट टू ऐड वैल्यू फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ऑल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. फोर मींस से मुराद था यहाँ पे कि आपने एक्टिविटीज को डिस्कस करना था और वन एग्जांपल ऑफ ईच. एग्जैक्टली स्पीकिंग दिस क्वेश्चन वॉज लाइक फ्रॉम दिस टॉपिक जो हमने कल भी एक एग्जांपल डिस्कस की थी ना. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट वन एग्जांपल आई गेस डे बिफोर यस्टरडे जिसमें हमने कहा था ये वैल्यू चेन में ये चार दीज पॉइंट्स दिस वाज द क्वेश्चन. ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपने देनी है दैट हाउ द वैल्यू शुड बी एडेड. दिस क्वेश्चन वॉज वर्थ हाउ मेनी मार्क्स. सिक्स का पार्ट ए था. And that question was like 6 marks. ठीक है जी. इस दफा थेरीज के ऊपर क्वेश्चन मस्ट आएगा डेफिनेटली क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में थेरी नहीं आई थी. इन द लास्ट अटेम्प्ट देयर वाज नो थेरी आई गेस. ओके तो ये 18 हो गया. थोड़ा और भी से मूव करें. ऑटम 17 में आ जाए. ऑटम 17 में क्वेश्चन कौन सा आया था फ्रॉम सेकंड चैप्टर. ऑटम 17 में सेकंड चैप्टर को टेस्ट नहीं किया था एग्जामिनर ने. नॉट टेस्टेड एट ऑल. कोई क्वेश्चन नहीं था ऑटम 17 में. स्प्रिंग 17 में क्वेश्चन नंबर 3 था जेनेरिक स्ट्रेटजी के ऊपर. मैंने आपसे कहा था इस साल दो दफा आ चुका है. देखें एक दफा ये एक दफा ये. जेनेरिक स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन नंबर 3 आया था स्प्रिंग 17 में. वेयर इज स्प्रिंग 17. आई गेस ये है स्प्रिंग 17. क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका. ये 9 marks with one example each. Cost, leadership, differentiation and focus. और है कि उसने आपसे एक एक एग्जाम्पल भी मांगी होगी. ठीक है. इन पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर वॉट इज कॉस्ट लीडरशिप. पाकिस्तान के अंदर वॉट इज डिफ्रेंसिएशन. पाकिस्तान के अंदर वॉट इज फोकस स्ट्रेटेजी. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आया था. और ये क्वेश्चन आया था मार्च 17 में. और पीछे मूव करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 था वैल्यू चेन का. दैट वाज आई गेस फ्रॉम सेकेंडरी वैल्यू चेन. एक क्वेश्चन था मेरा ख्याल से सेकेंडरी वैल्यू चेन का. क्वेश्चन नंबर 4 था सितंबर 16 में. सितंबर 16 में जो क्वेश्चन था दैट वाज माइट बी फ्रॉम सेकेंडरी वैल्यू चेन. ओके दिस वॉज सितंबर 16. कॉस्ट लीडरशिप की एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तान से कोट करनी है तो आप कोट करेंगे ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कोट कर सकते हैं. गोरमे की कोट कर सकते हैं. इसी तरह एफएमसीजी में सोप्स में देखें तो लाइफ बॉय की कोट कर सकते हैं. ठीक है. पोल्ट्री इज नॉट कॉस्ट लीडरशिप. नो पोल्ट्री इज नॉट कॉस्ट लीडरशिप. ओके सितंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 4 था. सितंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 4 प्राइमरी वैल्यू चेन. ठीक है. और सेकेंडरी आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सेकेंडरी वैल्यू चेन एंड डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ दे ऐड वैल्यू इन द बिजनेस. मैंने आपको कल भी बताया था एक क्वेश्चन सेकेंडरी वैल्यू चेन नहीं था बल्कि क्वेश्चन जो है वो सेकेंडरी वैल्यू चेन वैल्यू कैसे ऐड करती है उसके ऊपर. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. ये चार पॉइंट लिखने थे आपने. ये नीचे वाले दिस वॉज द क्वेश्चन कि सेकेंडरी वैल्यू चेन के थ्रू वैल्यू एड कैसे हो रही है. हाउ इज द वैल्यू बींग एडेड थ्रू सेकेंडरी वैल्यू चेन. दिस वॉज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ये चार पॉइंट लिखने थे. 6 marks का क्वेश्चन था सितंबर 16 में. और थोड़ा पीछे मूव करें. शॉर्ट एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 3 मार्च 16. मार्च 16 में ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था वैसे. आई रिमेंबर इट वॉज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने डायरेक्टली सॉर्ट पूछा नहीं था बल्कि घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया था एग्जामिनर ने. और सॉर्ट पूरा भी नहीं था. सॉर्ट का भी एक पोर्शन आपने इसमें
आई गेस ब्रीफ करना था, सॉर्ट वाज नॉट इवन कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3 था, ये देखिए. Zayan Fertilizer Limited is a leading manufacturer of fertilizers in an industry dominated by four competitors. Two rival competitors are reported to be planning to increase their manufacturing capacity to produce fertilizer for cultivation of high yielding crops as they anticipate substantial growth in the future. ZFL firmly believes that it must also strengthen its capacity significantly to be able to retain its position as an important player. Discuss the specific areas in which ZFL must focus to meet the challenges posed by rival competitors. Now that's a question जिसमें आपने strengths और weaknesses पे बात करनी थी. Like ये SWOT का समझ लें आधा portion था. It was asking about strengths and weaknesses. It was asking about the strengths and weaknesses only, and not any other thing to be commented upon. तो ये था जी मार्च 2016 का पेपर. और पीछे मूव करें, सितंबर 15 में दो सवाल आए थे, इकोलॉजिकल फैक्टर्स आए थे और फिर माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी आया था. इकोलॉजिकल फैक्टर का मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इसमें से दैट वाज द क्वेश्चन ऑन हाउ फर्म्स कैन लिमिट देयर इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. फर्म्स अपनी एनवायरनमेंट पे अपना इंपैक्ट कैसे महदूद कर सकती हैं. एंड देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन ऑन दैट इज जेनेरिक स्ट्रेटजीज. ठीक है, एक क्वेश्चन था इकोलॉजिकल फैक्टर्स का, हाउ द फर्म्स कैन रिड्यूस देयर इंपैक्ट, और दूसरा क्वेश्चन था जेनेरिक स्ट्रेटजीज के ऊपर जो हमने भी डिस्कस किया है माइकल पोर्टर का. इनफैक्ट सेम क्वेश्चन था, उतने ही मार्क्स थे, 9 मार्क्स थे. मार्च 15 में कोई सवाल नहीं आया था. 5-4-6 मॉडल पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है कभी, वैसे आ सकता है, लेकिन 5-4-6 सिर्फ एक दफा टेस्ट हुआ है, वो भी देख लें पहली अटेम्प्ट में. देखें पूरी रो खाली है, दिस होल रो इज एम्प्टी, ओनली वन क्वेश्चन हैज बीन अपीयर्ड सो फार फ्रॉम 5-4-6, दैट्स टू इन वेरी ओल्ड अटेम्प्ट. सितंबर 14 जब आपके बिल्कुल नई नई स्कीम आई थी. हाँ तो ये हमने डिस्कस किया था इस दफा के 5-4-6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट आप देखें ना तो इस पूरे चैप्टर का सारा फोकस ही इस एरिया के ऊपर है. देख रहे हैं, दिस इज द की एरिया ऑफ दिस चैप्टर. ये देखें ऊपर कितना खाली एरिया, ये सारे खाली सेल्स आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं आया पेपर में. ऑल ऑफ दीज सेल्स आर टेलिंग यू दैट नो क्वेश्चन हैज अपीयर्ड सो फार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन. ठीक है, ऑन द अदर हैंड नीचे वाला पोर्शन आपको ये बता रहा है कि दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड पोर्शन, ये सबसे फ्रीक्वेंट टेस्ट होने वाला पोर्शन है. हाँ एग्जैक्टली, देखो वही मैं कहता हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए ना तो फिर दोनों एक्सट्रीम्स पे सोचना चाहिए. जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है देन यू शुड बी थिंकिंग ऑन बोथ एक्सट्रीम्स. एक एक्सट्रीम तो ये है कि चूंकि अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो दोबारा भी नहीं आएगा. एक तो ये एक्सट्रीम है कि अभी तक कभी नहीं आया क्वेश्चन इसमें से तो दोबारा भी नहीं आएगा. और दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि चूंकि अभी तक इसमें से सवाल नहीं आया तो इस दफा तो लाजमी आएगा. ठीक है, एग्जैक्टली. सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, क्योंकि दोनों सिचुएशंस इक्वली वैलिड है, इक्वली फाइन है. नहीं टेस्ट हो रहा शायद दोबारा भी ना हो, चूंकि नहीं टेस्ट हो रहा तो अब तो लाजमी होगा. इट्स ऑलवेज गुड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. ठीक है, तो हमेशा अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार करना चाहिए. वी शुड बी प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो. बट स्टिल कंपेटिटिव फैक्टर्स हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो 5-4-6 तो आएगा ही आएगा. 5-4-6 के अलावा शायद ऊपर वाले पोर्शन में से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए. ठीक है, सो हियर वी कंक्लूड आवर सेकेंड चैप्टर विद पास्ट पेपर डिस्कशन एज वेल. मंडे को इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना. तो आज है 27 तारीख और अल्हम्दुलिल्लाह
वी आर डन विद 25% ऑफ आवर होल कोर्स। पहले दो चैप्टर्स आपके पेपर का 1/4 है। अगर आप काउंट के हिसाब से देखें तो पहले दो चैप्टर्स जो हैं, फर्स्ट टू चैप्टर 11 चैप्टर्स में से, दे आर इवन लेस देन 20%, को 16% है पूरी किताब का काउंट के हिसाब से, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रीब्यूशन के लिहाज से मैक्सिमम 25% पेपर में कंट्रीब्यूट करते हैं ये दो चैप्टर्स। सो बी वेरी क्लियर। वन टू एंड इलेवन दे मेक 35 to 40%। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। चैप्टर नंबर थ्री थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। फोर एंड फाइव आर वेरी स्मॉल। फोर एंड फाइव तो बिल्कुल हार्डली तीन तीन चार चार पेजेस के चैप्टर्स हैं, बड़े इजी टॉपिक्स हैं वो, दे वेरी इजी। इनफैक्ट आपका जो मिड टर्म है उसमें जो कंटेंट इंक्लूडेड है वो पहले पांच चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर का एक पोर्शन है। आपके मिड टर्म में पहले पांच चैप्टर इंक्लूडेड है और वन पोर्शन है 11 चैप्टर का, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा पोर्शन हो, आईटी का। सो आईटी का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा एक चैप्टर है जो कि 15 से 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है पेपर। सो दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट हैज टू बी गिवन कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन सो फार, एनी प्रॉब्लम? चलें फिर, मेरा ख्याल है कि थर्ड चैप्टर को मंडे को स्टार्ट करेंगे। मेरी भी एक छोटी सी कमिटमेंट है, आई हैव टू रश, तो वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर इंशाल्लाह ऑन मंडे। जी मैं जाहिद को फ़ोन करता हूँ, आई आई टॉक टू हिम। इंशाल्लाह आज की डेट में दोनों अपलोड हो जाएंगे, आज वाला भी और कल वाला भी, बोथ विल बी अपलोडेड शॉर्टली होपफुली। ठीक है, श्योर है। सी यू अराउंड देन। कोई इश्यू हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट के टॉपिक सुन लें। सेकेंड चैप्टर को आगे फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से इकोलॉजिकल फैक्टर्स तक, यानी पेस्टल पूरा। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक से इकोलॉजिकल पेस्टल कंप्लीशन तक, और उसके बाद जो कंपेटिटिव फोर्सेस हैं इनका हम फिर एक अलग से थर्ड टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर, तो लेट्स डिवाइड सेकंड चैप्टर इन थ्री पार्ट्स। तो बहुत लंबा चैप्टर है, इसको फिर तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पेज नंबर नोट कर लें। सेकंड चैप्टर का जो टेस्ट नंबर टू है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, लाइक दैट इज 51 से स्टार्ट होगा टेस्ट टू और एंड होगा 64 पे। 51 to 64, 51 to 64 टेस्ट टू है, और 65 से 73 टेस्ट थ्री। 65 से 73 इज योर टेस्ट थ्री। ठीक है, got it? Chilling, great. See you then. Okay, Allah Hafiz.